नेपाली कांग्रेसक केन्द्रीय उपसभापति पूर्व उप प्रधान तथा गृहमंत्री विमलेन्द्र निधि आयल छथि जनकपुर धाम में। नेपाली कांग्रेसक महोत्तरी के नेता महासमिति सदस्य ललन राय के दुर्घटना में मृत्यु भेला के बाद उनकर दाह संस्कार वास्ते पार्टी के दिशा झंडा ओढ़ावे के लिए श्रद्धा सुमन अर्पण करके आयल छथिन। नमस्कार, स्वागत है अपने के। धन्यवाद। आई जे नेता अपने सबके दुर्घटना में निधन भेलन है, उनकर योगदान केहन छलन है पार्टी भीतर, केहन क्षति भेलै अपने सबके? सबसे पहले तो हम ललन राय जी के दुखद निधन स्तब्ध छी और उनका अति श्रद्धांजलि अर्पण करना चाहे छी। हमारे आत्मा के चिर शांति के कामना करे छी। शोक संतप्त परिवार और संपूर्ण जे मित्र लोगन छथिन, कुटुंब लोगन छथिन, सबके प्रति हम हार्दिक संवेदना व्यक्त करय चाहे छी। काल्हि भिनसर में जिमनाथ चौधरी हमरा फोन कले, काठमांडू में रहे थे, ललन राय जी के से कतु गौशाला बर्दीवास गौशाला के अगल बगल में कोनो ठाम दुर्घटना भऽ गेलै, से हुनका लऽ कऽ जा रहल छै ओतऽ विराट नगर। विराट नगर में नोबेल अस्पताल में लऽ जेतै, डॉक्टर के कनी कह दियौ। हमरा घबरा गेलै, ललन राय की भऽ गेलै, बहुत सीरियस भऽ गेलै। तुरते हम नोबेल डॉक्टर के, डॉक्टर सुनील शर्मा जो मालिके छथिन, इनका फोन के लिए और संगे संगे नागेश्वर यादव जे छै से उनका संगे संगे लऽ जाइत रहै विराट नगर, उनको फोन नंबर से संपर्क कर दोनों के डॉक्टर के या नगेश्वर के बातचीत करा दी। लेकिन दुर्भाग्यवश विराट नगर पहुँचा पहुँचा से पहले रास्ता में उनका निधन भऽ गेलै। ई समाचार हमरा प्राप्त भेल, हमरा बहुत दुख लागल। तो आई वही के लिए हम आयल छलहुँ बतनाहा में जाकर उनका जे छै से अंतिम श्रद्धांजलि दऽ के लिए। उनका पार्थिव शरीर पर नेपाली कांग्रेस के झंडा लगाकर धनसा महोत्तरी लगाकर जितने केंद्रीय सदस्य सांसद लोकन नेता साथी सब सब गेल छलै एहिठाम सभा में। ललन राय जे छै से अहाँ के बहुत जुझारू क्रांतिकारी नेता के रूप में छला, युवा समय से नेपाल विद्यार्थी संघ के समय से लऽ कऽ अखन तक के राजनीतिक जीवन में अत्यंत ईमानदार, प्रतिबद्ध, कहियो तो आराम नहीं विश्राम नहीं लेवे वाला नेता छे। हम अखन गेल छलिए जखन बतनाहा में उनका गण पर हजारों के संख्या में लोग छलै उठम, गाँव के लोग सब शोकाकुल अवस्था में, आ सब कहे छले थे हम सब बड़का से अभिभावक जकर नेता छोड़ ना, जब कोनो बात के लिए राजनीति के अलावा विकास के काम होए, सामाजिक काम होए, अइ सब में हुनकर जे छै से निरंतर सक्रियता, ककरो कह नहीं पड़े छलिए, ककरो निमंत्रण नहीं देवे पड़े छलिए, ककरो जानकारी अपने सब पता लगते जे छै सब जगह चलि जाइ छलै। तऽ तेहन ही मान्यता छलै, हमरा तऽ बहुत प्रिय भाई के रूप में हम मानै छलिए। और नेपाली कांग्रेस के ओहिठाम के ओहि क्षेत्र के हस्ती छलै, तऽ बड़का क्षति भेल हमरा सबके नेपाली कांग्रेस के। अच्छा, अभी तो दुखद घटना छलै भऽ गेलै। आब कनिक राष्ट्रीय राजनीति पर अपने संगे किछु जिज्ञासा छल। राष्ट्रीय सभा के निर्वाचन भऽ रहल छै, नेपाली कांग्रेस समाजवादी पार्टी संगे गठबंधन कऽ कऽ आगाँ बढ़लै है। पछिला निर्वाचन में नेपाली कांग्रेस, राजपा नेपाल आ कथी कहै छै समाजवादी पार्टी के अलग अलग एकटा उम्मीदवारी रहै, दूटा उम्मीदवार ओहि हिसाब से भेल रहै। एहिबेर अलग छै नेकपा आ राजपा गठबंधन आ अपने सबके गठबंधन, एहन परिस्थिति के लिए निर्माण भेलै है, अपने सबके संभावना की छै? आब देखियौ, हम सबसे पहले कह चाहे छी जहिया उपेन्द्र जी मंत्री पद पर रहबे करैत, जखन राष्ट्रीय सभा के निर्वाचन के कार्यतालिका प्रकाशित भऽ गेलै, तऽ पार्टी सभापति शेरबहादुर देवा जी संघीय समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष उपेन्द्र यादव जी के आ राजपा के अध्यक्ष मंडल के अध्यक्ष राजेन्द्र महतो जी के फोन करखिन, हमरा सामने फोन करखिन आ कहलखिन जहिना हमसब पिछले चुनाव में से तीन टा पार्टी के चुनावी गठबंधन छल राष्ट्रीय सभा के लेल, हमसब चाहे छी जे नेपाली कांग्रेस, संघीय समाजवादी पार्टी और राजपा के बीच में तहिना जे छै से चुनावी समझदारी हुए। फोन पर कहलखिन जे ठीक छै, हमसब तैयार छी, बात करब। लेकिन तकर बाद अचानक जे छै से राजपा के आ कम्युनिस्ट पार्टी के से बीच में चुनावी तालमेल भऽ गेलै। आब किएक भेलै छै तऽ वएह सब जनता
अपने संगे प्रयास रहे हमारे से प्रयास रहे हमारे से प्रयास रहे जो तीनों पार्टी मिलेगा मिल रही राजापा नेकपा के साथ पहले तालमेल कर लेके अब तालमेल कर लेके तब हमारा सबके बात है जी तकर बाद जैसे उपेंद्र यादव जी हमारा सबके फोन कर लेते और शेर बहादुर जी के ओठम उपेंद्र यादव जी बाबूराम भट्टराय राजेंद्र श्रेष्ठ संघीय समाजवादी पार्टी के तीन नेता एम्हर से शेर बहादुर जी हम नेपाली राष्ट्रीय बातचीत भेल बातचीत भेलाके बाद ओठम से समझदारी भेलै जे अपर हाउस के चुनाव सब साथ साथ लड़ी गेलै वही के आधार पर किछु दिन पहले से समझदारी भेल छै अखन हम सब खास कर के प्रदेश नंबर दू मे चारिटा सीट छै अपर हाउस के जाहिमे दूटा सीट नेपाली कांग्रेस के दूटा सीट संघीय समाजवादी के वही के आधार पर हमसब संयुक्त रूपसँ से चुनाव के तैयारी कऽ रहल छै ओहि बारे भेल छै हमरा सबके तरफ से नंजीना यादव और भोला फजियार छथि हमरा सबके तरफ से अनिरुद्ध सिंह यादव आ रामप्रीत पासवान निरंतर पासवान चारू उम्मीदवार के जिताबे के हमसब प्रदेश नंबर दू में नेपाली कांग्रेस के केंद्रीय सदस्य आनंद भगाना के हमसब चुनावी अभियान के पूरा इंचार्ज बनेने छी उम्हर से छथिन हसराम साहेब के यादव के छथि अहाँ सब उम्हर से विजय जी है मुख्यमंत्री जी हम सब जैसे मिलकर कर रहे थे तो बैठक भ रहा है हमारा जो जानकारी दिले थे अखन आनंद गाना जी जो 26 गते के नेपाली कांग्रेस के हम सब केंद्रीय सदस्य एमपी मेयर जिला सभापति के जनकपुर में एक भेंटघाट रखने तैयारी के लिए आ 27 गते के महोतरी में संयुक्त रूप से संघीय समाजवादी के तरफ से जो मतदाता सब छथिन मेयर सब छथिन उप मेयर या और मतदाता सब जिला के नेता सब केंद्र के नेता सब प्रदेश नंबर दू के सब नेपाली कांग्रेस के संघीय समाजवादी के मिलकर ज्वाइंट हम सब से कार्यक्रम कर रहा है उससे पहले वो थलफल भ रहा है और भेंटघाट भ रहा है ये गणित के आधार पर देखा जाए तो नेकपा और राजपा गठबंधन के जीत सुनिश्चित है अपने सबके पराजय दिखाई दी तो अपने सब बात गणित से नहीं हो जी जी हमारा सबके पूरा विश्वास है जे जितबे कारण कि राजपा नेकपा के खास कर नेकपा के जी जी नेकपा के जे अखन सरकार में भूमिका छे आइठम जे आ के प्रदेश दू नंबर में जो भूमिका छे वही से जनता निराश छे खास कर एकर मतदाता तो एक किस्म के नेते से होइ छे मेयर जे होइ छे मेयर उपमेयर प्रदेश सभा के सदस्य ई सब जनता के नेता भेलखिन जी नेता सब ई बात के बुझै छथिन ते लक एक पूरा विश्वास है प्रदेश नंबर दू में हमारा सबके दोनों पार्टी के उम्मीदवार से जीतते गए लेकिन निर्वाचन आयोग एक बेर एकटा नया राय आन लेलक है जे निर्वाचन आन के आधार पर जे आब जो को फ्लोर क्रॉस केलखिन आ दल जे परित्याग के निर्णय केंद्रीय कमेटी के बैठक से निर्णय करके दिलक तो हर पद चल जेतें ते हिसाब से तो आप अंतर्घात होबे के संभावना जी अपने सबके कनी मनी छले हाथ से आप खत्म भ से आकलन कर हम अंतर्घात के लिए आह्वान नहीं करल ककरो हम ओतबे जानै छी जे मतदाता जैसे वोट के साथ ही चुनाव जीतते गोपे मतदान से जीतते अपने सब विश्वस्त छी हम पूरा विश्वस्त छी नेपाली कांग्रेस आ समाजवादी गठबंधन जीतते कांग्रेस समाजवादी संघीय समाजवादी पार्टी के गठबंधन जे जुबार छै से जीतते से हमरा पूरा विश्वास छै आ सब मतदाता कहै के अहाँ के जी मीडिया से हम अपील सेहो करै छी सबके मिलकर अपर हाउस में दोनों उम्मीदवार दोनों पार्टी के उम्मीदवार के सुझता दियो से अनुरोध करे ई तो प्रदेश दू के बात है लेकिन बाकी प्रदेश में तो स्वतः सब जी जितनी के बाकी प्रदेश में स्वतः जितनी से बात नहीं बात प्रदेश हुनका सके पगड़ा भारी छै ई बात सही छै लेकिन कहलो ना जे चुनाव में काल किछ नहीं कर सके छै किछ नेकपा के नेता सब समाज संजाल में अपने के नामे धकल खलखिन जे मधेश में अब कांग्रेस मुक्त राष्ट्रीय सभा में होते अपने के नामे धकर टारगेट कलखिन वहाँ ले भन्नू हुए नेकपा मुक्त होते विदेश तर कांग्रेस में कांग्रेस मुक्त राष्ट्रीय सभा में पहला बात ये गलत बात है हम आज तक कहियो नहीं कहने छे कोनो पार्टी के लोकतंत्रवादी जे छे से कोनो पार्टी के मुक्त देश कहियो नहीं कहे हम नहीं कहने छे जे कहने छे झूठ कर रहल छे ठीक हम सब लोकतंत्रवादी छी लोकतंत्र विश्वास करे छी लोकतंत्रवादी जे छे से प्रतिपक्षी के उपस्थिति में विश्वास करे छी प्रतिपक्ष के सम्मान करे छी विरोध के सम्मान करे छी तखने लोकतंत्रवादी हम सब कम्युनिस्ट जका से कम्युनिस्ट एकाधिकार बाद में विश्वास नहीं करे छी कम्युनिस्ट सब जे छी एकटा कम्युनिस्ट पार्टी देश में रहल समाज में रहल ते विचारधारा पर कम्युनिस्ट कहे छै
हमसब जे छै बहुलवादी विचारधारा वाला छी। कम्युनिस्टमे बहुलवाद कम्युनिस्टके डिक्शनरीमे कहै छै नहि होइ छै, हमरा सबके लोकतन्त्रवादीके डिक्शनरीमे बहुलवाद। तखने बहुलवाद भऽ गेलै, बहुदलीयता भेलै, तखने दोसर दलके उपस्थितिके तऽ हमसब सम्मान करै छियै, बल्कि ओकरा खोजि खोजि कऽ लबै छियै। ताहि लऽ कऽ ई के कहलक अहाँके पता नहि, कोन हम तऽ नहि किछु लिखने रहै अहाँके नेता सब खैर जे होइ ठीक छै, नहि कहबै कि नेता सब लिखने रहै, हम से कहब। हम नहि देखलियै। जी जी हाँ हाँ ठीक छै ठीक छै ठीक छै सर ठीक छै। ई राष्ट्रीय सभाके चुनाव तऽ मात्र अपने सबके सहकारी समाजवादी पार्टी सङ्गे या आगाँ बढ़तै आन्दोलनके रास्ता पर, जेना समाजवादी पार्टीके अध्यक्ष उपेन्द्र यादव जीसब कहलियै। एखन ओहिपर बहुत लम्बा बातचीत नहि भेलैए, धीरे धीरे बातचीत होतै। हमसब तऽ चाहै छी जे नेपालमे एकटा बात कहऽ चाहै छी अहाँके माध्यमसँ, निर्वाचन प्रणाली द्वारा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अखन सरकारमे छै, सत्तामे छै। लोकतन्त्रमे आ निर्वाचन प्रणालीमे आवधिक निर्वाचनमे कोनो एकटा दल जीतै छै, कोनो एकटा दल हारै छै, ई स्वाभाविक प्रक्रिया छै। लेकिन जे अखन काम कऽ रहल छै सरकार, ताहि कामसँ की बुझा रहल छै जे अहाँके सब सत्तावादके तरफ जा रहल छै। कम्युनिस्ट सरकार नहि, देशमे कम्युनिस्ट राज्य स्थापना करनेके लेल, कम्युनिस्ट सत्ता स्थापना करैके लेल मात्रे नहि, कम्युनिस्टके राज्य प्रणाली। हमसब कम्युनिस्ट सिस्टममे विश्वास नहि करै छी। नेपाली जनता कम्युनिस्ट सिस्टम नेपालमे नहि लायल छै। नेपाली जनता नेपालमे कम्युनिस्ट प्रणाली, कम्युनिस्ट सिस्टम, एहिठाम जे छै सङ्घीय प्रणाली छै, फेडरल सिस्टम छै। नेपाली जनता जे संविधान बनेने छै, राज्यके पूर्ण संरचना कयने छै, से अहाँके सङ्घीय संरचना छै आओर सङ्घीय लोकतान्त्रिक प्रणाली छै, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणाली छै। एहिके दिशामे एकरा जे छै से सुदृढ़ करऽके लेल अखन तक सरकार कोनो काम नहि कऽ रहल छै। हमसब चाहबै जे सङ्घीय प्रणालीके, लोकतान्त्रिक प्रणालीके, गणतन्त्रात्मक प्रणालीके पक्षमे से सहकार सबसे होइ भविष्यमे, हमेशा चाहै छी हमसब। एहिठाम प्रदेश नम्बर 2 के नाम आ राजधानीके सवालमे हमरा सबके पार्टीके अवधारणा आबि गेल छै, ओना बेर बेर अपने बाजि देने छियै। समाजवादी पार्टी सङ्गे अपने सबके सहकार्य भेलाके कारण अपनेके जे पक्षके प्रस्ताव छै ताहिमे बेसी बल पहुँचतै या हुनका सबके? एहिपर हम बहुते बात नहि, हमर सीधे बात अइ, प्रदेशके नाम मिथिला होबाक चाही, राजधानी जनकपुर होबाक चाही, दूटा बात हमरा आइसँ नहि सुनू से। भोजपुरा सेहो जोड़ै छलियै अपने? भोजपुरा सेहो, मिथिला भोजपुरा, ठीक छै ठीक छै। एकटा बात आओर कहल जाए, हमरा सबके जनकपुर धाममे अखन पत्रकार सबके ऊपर स्थानीय तह सब द्वारा दुर्व्यवहार, पिटाई आदि इत्यादि संचार संकलन करक क्रममे आबि रहल छै। प्रेस स्वतंत्रता जी दिन पत्रकार सब पर हाथ बंद केनाइ, पत्रकार के घेराबंदी केनाइ ई निंदनीय काम छै। पत्रकारिता के आ प्रेस के संचार के सम्मान करक चाही। जेठम अहाँ के पत्रकार के सम्मान नहि होइ छै, प्रेस जगत के सम्मान नहि होइ छै, संचार के सम्मान नहि होइ छै, ओहिठाम अहाँ के लोकतांत्रिक सभ्यता के अभाव होइ छै, से हम बुझै छी। किछु दिन पहिने काल्हि परसू तलमे एकटा समाचार अयलै, आइए सबसे समाचार माध्यम सब समाचार अयलै जे प्रचण्ड चाहि रहल छै प्रदेश नम्बर 2 के सीमाके परिवर्तन करी, 12 प्रसार ओथटके क्षेत्र नम्बर 3 मे लऽ जाइ आ दोलखारामे छाप आ सिधुलीके प्रदेश नम्बर 2 मे लाबी। अखन एहि बातपर हम कोनो चर्चा नहि करऽ चाहै छी, कारण अखन समसामयिक विषय नहि छै। एकटा अन्तिम जिज्ञासा, पार्टीके पूर्णतः एकता केना हेतै, असन्तुष्टि बढ़ैत जा रहल देखाइ दै छै। पार्टीमे पूर्णतः एकता छै, अब असन्तुष्टि तऽ होबे करै छै, असन्तुष्टि नहि होतै तऽ गतिशीलता केना होतै, खाली अहाँके सन्तुष्टि रहि जेतै तऽ पूर्ण विराम लागि जेतै। जी लेकिन पार्टीमे तेहन कोनो समस्या नहि छै, पड़ोसी सबके मना लेबै अपनेसँ पूरे पूरी। हाँ हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर।